देखिए तो अब हमने आपको तीसरे लेक्चर में आपको तरफ आवेशन के प्रकार चल रहा था, जिसमें हमने दो प्रकार का आवेशन बताया था, एक तो घर्षण द्वारा और एक आपको हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था स्थानांतरण द्वारा। अब तीसरे प्रकार का आवेशन हो तब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब NCERT का पैटर्न है, पूरा ध्यान रखिएगा। आवेशन बाई किसके द्वारा, आवेशन बाई आवेशन प्रेरण के कारण है, इंग्लिश प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण आवेशन, पूरी अंग्रेजी दिखाते हैं अभी आवेशन। चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा कैसे होता है जरा इसको सोचो। प्रेरण क्या चीज होती है, आपने देखा होगा बेटा मैग्नेट, मैग्नेट सभी ने देखा कि एक एन पोल होता है, एक आप पैस होता है, इसके सामने लोहा लेते हैं, लोहे के टुकड़े, तो आप देखें लोहे के टुकड़े को क्या करते हैं, खींचता है कि दूर भगाता है, तो आप देखेंगे ये बहुत तेजी से खींचता, क्यों खींचता, उसका कारण होता है, एक इसमें ऐसी क्रियाएं अपने आप होने लगती है कि यहाँ एन है तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ एस बनेगा, और एस और एन क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आप इसमें भी होता है। यदि कोई छड़ है बेटा, एक कैसी छड़ है, ये सपोज करो बेटा धनावेश, कुछ भी मान लीजिए धनावेश छड़, ठीक है, और एक हमारे पास उदासीन छड़, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, अर्थात परिणामी आवेश शून्य है। इसमें नेट चार्ज कितना होगा, क्या नेट चार्ज जीरो, ध्यान से देखो, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण, इसलिए इस पर परिणामी आवेश कितना, जीरो। अब देखो इस छड़ को बेटा हम यहाँ लेते हैं, देखिएगा जरा से कि छड़ हम यहाँ लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो किसी टाइप की, इससे हमें खास मतलब नहीं है, अपने आप क्या होगा इस साइड में माइनस आ जाएगा, इस साइड में क्या आएगा ए प्लस आएगा, क्यों ऐसा होगा, अभी भी इस पर चार्ज कितना बेटा जीरो, इस पर चार्ज किया प्लस क्यू है, ठीक, देखिए इस पर इसको क्यू डैश मान लें। यदि अब और चीज बताएं, यदि ए छड़ है आपकी चालक होती तो जितना प्लस क्यू होता उतना ही यहाँ पर माइनस क्यू भी होता, ठीक है, लेकिन ये किसी प्रकार की छड़ है, प्रेरण में क्या होता है टोटल चार्ज बराबर भी हो सकता है और यह उससे हमेशा सदैव कम होता है। चलिए तो अब देखो बेटा नेट चार्ज, अब इसको क्या करेंगे, यदि हम इसको क्या करें पृथ्वी से जोड़ दें, जैसे ही जोड़ेंगे ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और देखिएगा प्लस प्लस ये है, अब आपको इसको हमने जमीन में जोड़ दिया तो इस पर कैसा आवेश होगा, ये माइनस आवेश होगा, प्लस चार्ज कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया, ठीक है, अब इस छड़ को हटा दो, जैसे हम हटाएंगे इस पर कैसा आवेश होगा माइनस, आपने क्या देखा कि ये वस्तु बिना स्पर्श किए क्या होगी बेटा ऋणावेशित होगी, अर्थात आवेश इसमें आ गया, तो इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रेरण में जिस प्रकार की आपको जैसे धनात्मक वस्तु बनानी है, कैसी बनानी, धनात्मक, तो उसके पास हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश लाया जाता है। यहाँ पर धन बनाना वस्तु को ऋण बनाना है, तो कैसी वस्तु लाए, धन, देखिए वस्तु को कैसे बनाना, इस वस्तु को उदासीन वस्तु को कैसे बनाना है, ऋणात्मक, ऋणात्मक बनाने के लिए हम इसके पास कौन सी वस्तु लाए, धनावेशित, क्या विपरीत है, यही कॉन्सेप्ट हम अभी आपको लिख के दिखाते हैं। देखो बच्चों तो क्या लिखे बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन में, आवेशन में बिना संपर्क के वस्तुओं के, वस्तुओं के बिना संपर्क हुए, बिना संपर्क हुए दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश से, आवेश से आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक, इसका अर्थ क्या हो रहा है, नोट देखें, यदि वस्तु को, यदि किसी वस्तु को क्या करना पड़ा, किसी वस्तु को धनावेशित करना है, धनावेशित करना है तो उसके समीप, उसके समीप ऋणावेशी छड़, ऋणावेशी छड़ लाते हैं, ऐसी छड़ लाते हैं एकदम विपरीत प्रकार का, देखो धन करना तो ऋण लाएंगे, ऋण करना तो धन लाएंगे, ठीक है, छड़ लाते हैं तो
दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी आपको, धनावेशित हो जाएगी। कैसे होती है दिखाते हैं, धनावेशित हो जाएगी। अब समझने वाला चीज है, कंपटीशन का क्वेश्चन आया था कि कितना आवेश दूसरे पर आएगा यदि वस्तु में स्वचालक है। देखो ना, यदि वस्तु क्या है, यदि वस्तु में सुचालक है, जैसे सुचालक, तो प्रेरित जो आवेश होगा, प्रेरित आवेश बराबर आता है, बराबर होगा। इसके लिए बेटा सूत्र डेरिवेशन होता है सूत्र का, जो प्रेरित आवेश होता है हम आपको यहां बता दें, कंपटीशन में भी है, जो प्रेरित आवेश होता है ये होता है क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के। यहाँ के क्या चीज होता है, ये परावैद्युतांग नितांग, इसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांग, देखिए परावैद्युतांग। और इसका मान बेटा सबका बदलता, मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए, मेटल और धातु के लिए के का मान बेटा होता इनफाइनाइट। देखो जरा यहां से, जब मेटल होगा तो के का मान होगा अनंत, तो कितना है बेटा, अतः समीकरण एक से देख लीजिए, समीकरण एक से आपको जो बेटा क्यू डैश आएगा, देखने जाए तो माइनस क्या, क्यू वन माइनस वन बाई अनंत। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे जब किसी संख्या में अनंत का भाव देते हैं, किसका भाव बेटा, अनंत का, आपने पढ़ा होगा। देखो बेटा चूंकि आप पढ़ चुके कहीं ना कहीं एक बटे अनंत बराबर जीरो, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये आएगा माइनस क्यू और वन माइनस जीरो, अर्थात जो क्यू डैश होगा वह माइनस क्यू। लेकिन किसके लिए ऐसा हुआ, ऐसा केवल मेटल के लिए, धातुओं के लिए होता है, अधातुओं के लिए कुचालक पदार्थों के लिए ऐसा संभव नहीं है। सपोज करो एग्जांपल दूसरा मत, जैसे आपने नाम सुना अभ्रक, अभ्रक का के दिया मान लीजिए कितना बेटा आपको, थ्री मान लो, ठीक है। अब के डैश क्यू डैश कितना होगा, माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के, तो कितना आंसर आएगा, माइनस क्यू वन माइनस एक बटे तीन, हल करने पर आएगा माइनस टू क्यू बाई थ्री। चेक करो, तीन एक करना तीन, तीन में से एक दो, तो टू क्यू बाई थ्री ए आपका आवेश है। तो आपने क्या देखा बेटा, आवेश सदैव क्या प्राप्त होगा बेटा, हमेशा कम प्राप्त होता, केवल मेटल के केस में होगा, जो प्रेरित आवेश क्या होता, हमेशा बराबर होता है। और कुचालक पदार्थ निर्वात में, यदि के कमान निर्वात के, देखो तीसरे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तीसरा याद है, एग्जाम था, देखिए निर्वात का के कितना होता है, निर्वात के लिए के का मान होता है एक, अतः क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन बाई वन। जरा सॉल्व करो इसको, एक में एक का भाग दे कितना एक ही आएगा, एक में से एक घटाएं कितना है बच्चों, माइनस क्यू गुणे जीरो, हल करने पर क्या आएगा। तो यदि कुचालक वस्तुएं हैं जिसका निर्वात शब्द निर्वात के लिए के क्या पाया जाता है, एक होता, हमेशा एक होगा, तो इसका अर्थ है निर्वात में किसी प्रकार का आवेश प्रेरित नहीं होता। तो ये था बेटा प्रेरण और आवेशन, पीछे हमने इसको चित्र में आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। यदि वस्तु पर धनावेश करना है तो उसके पास कौन सी वस्तु लाना पड़ेगा, ऋणावेशित। ऋण बनाना है तो क्या लाना पड़ेगा, धनावेश, ठीक है। ये था आपको तीनों प्रकार का हमने आपको आवेशन बताया, शेष सब आपको गुलाम सलाह या आवेशों के गुण नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।